ये पूरा मामला बाराबंकी जिले के दरियाबाद क्षेत्र के पोइन गांव का है। यहां करीब 5 दिन पहले गांव में एक शादी थी और घर में रस्म अदायगी के दौरान एक महिला की अंगूठी गिर गई, जो किसी बच्चे को मिलने की बात कही। आरोप है कि उस मासूम बच्चे से अंगूठी छीनकर पीड़ित परिवार का 4 साल का बच्चा भाग गया। शिकायत पर पीआरबी और दरियाबाद थाने के दरोगा वीके शर्मा भी पुलिस कर्मियों संग पहुंचे। पीड़ित का ये भी आरोप है कि दारोगा वीके शर्मा ने घर पहुंचकर पूछताछ के दौरान 4 वर्षीय बच्चे को, इसके बाद पीड़ित की 7 साल की बेटी के सर पर भी डंडा मार दिया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। पिटाई के बाद भी पुलिस को अंगूठी के बारे में जानकारी न होने के बाद पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। इसके बाद पूरे परिवार को पुलिस थाने ले आई। पीड़ित की पत्नी शांति देवी का आरोप है कि थाने में दारोगा ने डंडों लात घूसों से उसे पीटा है। पति को भी दारोगा ने प्रताड़ित किया, लेकिन अंगूठी की कोई जानकारी न होने की पीड़ित परिवार लगातार बात कहता रहा। इतना सब करने के बाद जब दारोगा को अंगूठी की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें काफी देर बाद घर जाने दिया। अंगूठी अब तक नहीं मिली है और इसके बदले में पीड़ित परिवार पर 20,000 रुपए देने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है। और हमारे औरत को मारा, बच्चन को मारा, कायस मारे थे और डंडा से, और इसको सर फोड़ दिया सर, इसको सर मार खून में, ये अंगोछा मार इतना इतना तो भीज गया था, और फराक उदे टांगी आ है। दरोगा जी क्या बताया, क्या था काहे के मारे थे? कहन की अंगूठी दे दो, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। जो हमारे पास है नहीं तो हम क्या दे दें हम।